हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आज से 66 मिलियन ईयर्स पहले क्रिटेशियस पीरियड में आसमान से एक माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा मीटियोराइट करीब 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ और यूकेटन पेनिनसुला के शैलो वाटर्स में जाके गिरा, जिसके गिरते ही 1500 किलोमीटर के रेडियस में मौजूद हर चीज इंस्टेंटली वेपोराइज हो गई और कुछ ही देर में एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स स्टार्ट हो गए जिनसे तबाही का मंजर फैल गया। अर्थक्वेक, सुनामीज, फॉरेस्ट फायर्स, एसिड रेन्स, मानो जीवों के साथ कोई खेल खेल रहा हो। दुनिया में मौजूद हर एक बड़े से बड़ा डायनासोर और छोटे से छोटा जीव अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहा था और देखते ही देखते कुछ चंद घंटों में दुनिया का 75% जीवन नष्ट हो गया। और ये सब सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि एक 10 किलोमीटर चौड़ा मीटियोराइट एक शैलो समुंदर में जाके गिरा था। पर क्या डायनासोर्स वाकई में एक मीटियोराइट स्ट्राइक से ही एक्सटिंक्ट हुए थे? क्योंकि कुछ साइंटिस्टों का तो ये भी मानना है कि डायनासोर्स असल में एक बड़े वोल्केनिक इरप्शन और उससे निकलने वाले टॉक्सिक गैसेस की वजह से विलुप्त हुए, जिसे साबित करते हैं हमारे इंडिया के वेस्टर्न घाट्स, जो कि सरप्राइजिंगली उसी समय बने थे जब डायनासोर्स विलुप्त हुए, यानी यस 66 मिलियन ईयर्स पहले, और वो भी तकरीबन 2 किलोमीटर से भी मोटी लावा के लेयर से जो कि 50,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला है। तो क्या डायनासोर के विलुप्त होने के पीछे इंडिया की ज्योग्राफी का भी कोई हाथ है? पर अगर इंडिया का हाथ है तो आज भी ज्यादातर साइंटिस्ट मीटियोराइट स्ट्राइक वाली थियरी से ही ज्यादा कन्विंस्ड क्यों है। वैसे रीजन जो भी हो, वो इतना जबरदस्त था कि सिर्फ 20 किलो से कम वजन वाले जीव ही जिंदा रह पाए और बाकी सारे जीव नष्टानाभूत हो गए। पर छोटे जीव ही क्यों बच पाए, बड़े क्यों नहीं? वेल, सवाल तो बहुत है और जानने के लिए बातें भी बहुत ज्यादा, और इन्हीं सब बातों को समझाने के लिए हमें ये जानना होगा कि उस वक्त उनके क्या हालात रहे होंगे। और इसीलिए मैं लेके आया हूं आज आप सभी के लिए फ्रेंड्स ये वीडियो, जिसका टाइटल है What Happened 10 Minutes After the Dinosaurs Disappeared। इंडिया में मौजूद डेक्कन ट्रैप्स माउंटेन रेंज, जिनको हम लोकली वेस्टर्न घाट्स या सह्याद्री के नाम से जानते हैं, वो हमेशा से ही दुनिया भर के साइंटिस्टों के लिए चर्चा का विषय रहे हैं। क्योंकि बहुत से साइंटिस्टों का ये मानना है कि डायनासोर्स के एक्सटिंक्ट होने का कारण कोई मीटियोराइट नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा वोल्केनिक इरप्शन है, कुछ वैसा ही इरप्शन जिसकी वजह से वेस्टर्न घाट्स बन पाए। जी हाँ, वेस्टर्न घाट्स असल में 2 किलोमीटर मोटे यानी थिक और 50,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले बेसाल्ट रॉक्स की लेयर्स से बने हैं और ये रॉक्स लावा के ठंडे होने से बनते हैं। जब डेक्कन ट्रैप्स के अलग अलग जगहों से रॉक सैंपल्स की टेस्टिंग हुई, तब हमें ये पता चला कि ये तकरीबन 66 मिलियन ईयर्स पुराने हैं, यानी ठीक उसी समय के जब डायनासोर्स का मास एक्सटिंक्शन हो रहा था। अब वोल्केनिक इरप्शंस तो आज के समय में भी होते हैं, पर उनसे तो किसी स्पीशीज का मास एक्सटिंक्शन नहीं होता, तो फिर ये डेक्कन ट्रैप्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? सो फ्रेंड्स, नॉर्मली आज के समय के जो वोल्केनोज होते हैं ना, वो ज्यादा से ज्यादा 20 किलोमीटर तक के रेडियस में ही तबाही मचा पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1815 में इंडोनेशिया का माउंट तंबोरा जब फटा था, तब वो सबसे डेंजरस इरप्शन होने के बावजूद भी सिर्फ 20 किलोमीटर तक के ही एरिया को अफेक्ट कर पाया था। तो एक ऐसा वोल्केनो जिसने 50,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में तबाही मचाई, सोचो वो पूरे एटमॉस्फेयर में ऐश, डस्ट और टॉक्सिक गैसेस किस हद तक भर सकता था। पर साइंटिस्टों का ये मानना है कि वोल्केनिक इरप्शन एक ही बार में नहीं हुआ था बल्कि 4 डिफरेंट वेव्स में हुआ था, और जिसका पता बाय द वे 2014 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक जियोक्रोनोलॉजिस्ट ब्लेयर शोन और उनकी टीम ने हमें दिया, जहां उनके अनुसार इन 4 इंटेंस वोल्केनिक इरप्शंस में जो पहला इरप्शन था ना, वो डायनासोर्स के विलुप्त होने से भी 2.5 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था और बाकी के 3 डायनासोर्स के विलुप्त होने के बाद हुए। पर इस पहले इरप्शन को लेके ये भी थियरी है कि इस इरप्शन ने एटमॉस्फेयर में इतने डस्ट पार्टिकल्स और टॉक्सिक गैसेस भर दिए होंगे कि ज्यादातर बड़े डायनासोर्स के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन ही नहीं बचा और उनकी संख्या घटनी शुरू हो गई, यानी उनके दिन भरने लग गए। पर इवन दो ये थियरी कितनी ही कन्विंसिंग क्यों ना हो, ज्यादातर साइंटिस्ट आज भी मीटियोराइट स्ट्राइक वाली थियरी को ही फेवर करते हैं, क्योंकि सिर्फ कुछ ही छोटे स्पीशीज की टर्टल्स और अर्ली एंसेस्टर्स ऑफ क्रोकोडाइल्स ही जिंदा बच पाए थे, सारे छोटे जीव नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो, वो सारे छोटे जीव कैसे एक्सटिंक्ट हुए हो सकते हैं और क्यों सिर्फ यही क्रोकोडाइल्स और टर्टल्स बचे? वेल, एक्चुअल कल्प्रिट मीटियोराइट स्ट्राइक ही हो सकता है ना, क्योंकि ऑब्वियसली ये लोग पानी के अंदर
अंदर जा पाए और बच पाए। इनफैक्ट कई लोगों का तो ये भी मानना है कि बाकी के तीन इरप्शंस एक्चुअली मीटियोराइट के टकराने से ट्रिगर हुए थे। सो अगर इस भी थियरी को हम मानते हैं तो इसमें डेफिनेटली एक्चुअल कल्प्रिट तो मीटियोराइट ही हुआ, राइट? तो चलिए देखते हैं कि उस मीटियोराइट स्ट्राइक के वक्त जो मंजर था वो कैसा रहा होगा और क्या लिखा था उस वक्त पर मौजूद सभी जीवों के भाग्य में। आज से 66 मिलियन साल पहले एक हंसते खुशहाल दिन पर एक 10 किलोमीटर चौड़ा मीटियोराइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ। उसका एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल के साथ टकराव इतना जबरदस्त था कि उससे एक सुपरसोनिक साउंड वेव क्रिएट हुई जिसकी आवाज इतनी लाउड थी कि प्लैनेट के दूसरी ओर मौजूद जानवरों के भी कान के पर्दे फाड़ दे। जहां एटमॉस्फेयर में एंटर करने के 5 सेकंड्स के अंदर ही ये मीटियोराइट मेक्सिको के युकेटन पेनिनसुला नाम के शैलो वाटर्स में जाकर टकराया। जब ये माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा और 460 ट्रिलियन टन्स वजन वाला हैवी मीटियोराइट 20 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से अर्थ से टकराया तो उसका इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि उस जगह पर एक 150 किलोमीटर वाइड और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया जिसको आज हम चिक्सुलब क्रेटर के नाम से जानते हैं। कंपैरिजन के तौर पे ये इतना गहरा है कि इसमें एक के ऊपर एक 24 बुर्ज खलीफा समा जाएंगे। अब आप इससे बस इमेजिन कर लो इस टकराव से कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी और साइंटिस्टों के अनुसार इतनी एनर्जी किसने 1500 किलोमीटर के रेडियस में मौजूद हर चीज को इंस्टेंटली पिघला दिया जिसके कारण उनकी हड्डियां तक नहीं बची। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू सम रिसर्चर्स द कोलिजन वाज सो स्ट्रॉन्ग दैट मीटियोराइट के कुछ पीसेस अर्थ द्वारा इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन की वजह से बहुत ऊंचाई तक बाउंस बैक हुए। कुछ साइंटिस्टों का तो ये तक मानना है कि इस मीटियोराइट के कई टुकड़े तो चांद तक भी पहुंच गए थे और जो नहीं पहुंचे थे वो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से वापस आग के गोले बनकर दूर दूर के इलाकों में बरसने लगे और इन सब के वजह से वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। टकराव की वजह से कुछ ही सेकेंड्स में टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह से इतने सरक गए थे कि पूरे प्लैनेट पर मैग्नीट्यूड 12 के भूकंप शुरू हो गए और बोले तो हर जगह से पृथ्वी के अंदर का लावा एकदम फटके बाहर आने लगा। जमीन पर रहने वाला हर जीव अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहा था पर कुदरत का ये वैशी रूप कोई जानवर नहीं झेल पा रहा था और देखते ही देखते 10 मिनट के अंदर पृथ्वी के 30% जीव खत्म हो चुके थे। और वहीं दूसरी तरफ पानी में रहने वाले जीव डरे हुए तो थे पर साथ ही शायद वो ये भी सोच रहे होंगे कि यार हम तो सेफ हैं। बट क्या वाकई में ये सही था? Well, वो शायद जीत से पहले ही जश्न मना रहे थे क्योंकि तबाही का मंजर तो अभी एक्चुअली में बाकी था, बस कुछ और देर की कमी थी। सो इसलिए हम उनकी बात थोड़ा बाद में करेंगे क्योंकि टेरेस्ट्रियल जीवों की मुसीबतें अब तक खत्म नहीं हुई थी। मीटियोराइट इंपैक्ट और वोल्केनोस के कारण हवा में उड़े छोटे जलते पत्थर ओलों की तरह जमीन पर बरसने लगे। लावा और जलते ओलों ने सारे जंगलों में आग लगा दी, मतलब जमीन या आसमान में रहने वालों के लिए भाग के कहीं जाना मानो नामुमकिन सा हो गया था। और इस वक्त अगर हम हमारी पृथ्वी को आउटर स्पेस से देखते तो वो कोई नीला गोला नहीं था, दूर से देखने पर ये हमें एक लाल गोले की तरह दिखता और यही वो मंजर था जब तक पृथ्वी में मौजूद 50% से भी ज्यादा जीव नष्ट-नाबूद हो गए। पर वो कहते हैं ना, प्रकृति किसी को नहीं बख्शती, बस वो ही हुआ। वोल्केनिक इरप्शंस और फॉरेस्ट फायर्स ने पूरे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य टॉक्सिक गैसेस के कॉन्सेंट्रेशंस को बढ़ा दिया जिसकी वजह से बड़े जीवों को जिंदा रहने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। और तो और ये टॉक्सिक गैसेस बादल बनकर एसिड रेन के फॉर्म में बरसने लगे जिसने वाटर बॉडीज को प्रदूषित करना शुरू कर दिया और यही वो समय था जब समुद्री जीव भी समझ गए कि अब उनका भी नंबर आने वाला है क्योंकि कई सारे एक्वेटिक जीव इस हाईली टॉक्सिक पानी की वजह से मरने लगे थे और सरफेस पे मौजूद टॉक्सिक पानी से बचने के लिए वो गहरे पानी की ओर तैरने लगे। पर मीटियोराइट इंपैक्ट और अर्थक्वेक से जन्मे सुनामीज उनके लिए मानो हर कदम पर मुश्किलें पैदा कर रहे थे। ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग अब अपने चरम सीमा पर थी। पोलर आइस देखते ही देखते पिघल गई जिसने समुन्दर का स्तर ड्रास्टिकली इंक्रीज कर दिया और पूरी दुनिया कई महीनों तक जैसे पानी के नीचे समा गई। और इस वजह से पृथ्वी के अब तक 60-65% लाइफ फॉर्म्स विलुप्त हो चुके थे। अब फ्रेंड्स, अगर आप यहां पर ये सोच रहे हो कि ये उसी दिन हुआ जिस दिन मीटियोराइट ने स्ट्राइक किया, तो बॉस ऐसा नहीं था। बर्फ के पिघलने का मंजर तो स्ट्राइक के लगभग 4-6 महीनों के बाद हुआ था। मतलब समझ रहे हो, पूरी पृथ्वी पे भूकंप, वोल्केनिक इरप्शंस, फॉरेस्ट फायर्स और जमीन से लावा निकलना अब तक कंटिन्यूअसली हो रहा था।
और वैसे अगर देखा जाए तो बर्फ के पिघलने से और सुनामी के वजह से एक अच्छी चीज भी हुई, हर जगह जो आग लगी थी इस बाढ़ से बुझा दी गई, जिस वजह से बचे हुए जीवों को थोड़ा चैन की सांस लेने का मौका मिल गया। पर टेक्निकली ऑफ कोर्स उनके लिए सांस लेना अब भी थोड़ा मुश्किल ही था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सम रिसर्चर्स इन सभी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के दौरान अराउंड 15 ट्रिलियन टन्स ऑफ एश और डस्ट हवा में मिक्स हो गया था, जिसने एक बड़ी सी चादर की तरह पूरे पृथ्वी को ढक दिया था, जिसके टोटली कवर करने के बाद शुरू हुआ वो मंजर जिसकी कल्पना भी किसी जीव ने उस वक्त नहीं की थी। राखों के ग्लोब को पूरा कवर करते ही परेशानियां मल्टीपल टाइम्स बढ़ गई, क्योंकि सन ब्लॉक्ड होने की वजह से सारे जीव जो फोटोसिंथेसिस यूज किया करते हैं और जिन पे पूरा फूड चेन डिपेंडेंट है, प्लांट्स और फोटोप्लैंक्टन्स धीरे धीरे करके मरने लग गए, क्योंकि उन्हें धूप नहीं मिल रही थी और इससे ऑब्वियसली पूरा फूड चेन कोलैप्स हो गया। इतना सब होने के बाद जो बची कुची कसर थी वो भी साल भर चले आइस एज ने पूरी कर दी। सूरज ब्लॉक्ड होने की वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर ड्रास्टिकली ड्रॉप हो गया था और पूरा प्लैनेट अब जैसे किसी स्नोबॉल की तरह दिखने लग गया था। बस एक साल के अंदर ही अर्थ वेंट फ्रॉम बीइंग अ ब्लू बॉल टू अ रेड बॉल टू अ व्हाइट बॉल एंड वाइप्ड आउट एंटायर 75% ऑफ द लिविंग स्पीशीज। वैसे तो पृथ्वी और उस पर मौजूद जीवन ने बहुत कुछ सहा था इस पूरे दुर्घटना के दौरान, पर यार जीवन हमेशा अपने आप को कंटिन्यू रखने के लिए नए नए रास्ते ढूंढ ही लेता है, और इसमें एनिमल्स के मुकाबले प्लांट्स ज्यादा सक्षम है, क्योंकि प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स जो कि हार्श कंडीशंस में भी सरवाइव करा सकता है। और इसीलिए तो कुछ साल बाद जब डस्ट पार्टिकल्स और एशेस नीचे सेटल होने लगे और डायरेक्ट आती हुई धूप के कारण आइस एज खत्म हुआ, तब प्लांट्स के स्पोर्स जर्मिनेट करना शुरू हो गए, जगह जगह नन्हे पौधे फिर उगने लगे और वक्त के साथ देखते ही देखते अर्थ फिर से हरा भरा बनने लग गया। हरियाली वापस आते ही ऑक्सीजन की मात्रा फिर से रिस्टोर होने लग गई और इस सुकून से भरी दुनिया को एंजॉय करने के लिए लौट आए छोटे छोटे मैमल्स और रोडेंट्स, जो अपनी अपनी गुफा या किसी ऊंचाई पे जिंदा रह गए थे और मरे हुए जानवरों की लाशें खा के जिंदा थे। यही वो छोटे जीव थे जिनके वजह से पृथ्वी पे लाइफ फिर से पनपने लगी। इनमें एवोल्यूशन आया और नए नए मैमल्स आए, जैसे कि राइनोस एंड अदर लार्जर मैमल्स। और यहाँ आपको ये जान के हैरानी होगी कि हम जो अपने आप को सबका बॉस समझते हैं, वो सिर्फ 5 मिलियन साल पहले इस दुनिया में आए थे, यानी बस सिर्फ 50 लाख साल पहले। और वैसे इस सब में एक तो काबिले तारीफ बात है कि सिर्फ 5 मिलियन सालों में हमने इतनी तरक्की कर ली है हमारे इंटेलिजेंस की वजह से कि हम ऑलमोस्ट पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। और बाय द वे, आपकी इसी इंटेलिजेंस को ट्रिगर करने के लिए मैं आपके लिए लाया हूँ एक थॉट प्रोवोकिंग सा सवाल। ये मीटियोराइट एक ऐसी जगह गिरा था जो कि एक शैलो समुंदर था, और ऐसे इस दुनिया में सिर्फ 7 और प्लेसेस है यूकैटन पेनिन सोला के अलावा, यानी कि 13% चांस था कि वो मीटियोराइट इन 8 क्रिटिकल प्लेसेस पर गिरता और तबाही मचाता। पर जरा एक मिनट के लिए आप ये मान लो कि अगर वो मीटियोराइट शैलो वाटर्स में नहीं गिरा होता, किसी गहरे समुंदर में गिरा होता, तो क्या तब भी हमारी हालत सेम होती? आपका जो भी जवाब है फ्रेंड्स, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे। डिस्कशन छेड़ते हैं कि हालत बदतर होती या हालत बेहतर होती। और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। नए हो इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, ताकि आगे आने वाली ऐसे ही ज्ञान बढ़ाओ वीडियोस और जीनियस बनाओ वीडियोस आप मिस ना कर सको। With that said, as always, stay curious, keep learning and keep growing. जय हिंद।